सीएम योगी ने सफेद बाघिन को बारे में छोड़ा, तेंदुए के शावकों को पिलाया दूध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को दशहरे के मौके पर चिड़ियाघर जाकर सफेद बाघिन को बारे में छोड़ा। इसके बाद उन्होंने रेस्क्यू कर आए दो तेंदुओं के शावकों का नामकरण भी किया। इस दौरान उन्होंने शावकों को गोद में लेकर उन्हें बोतल से दूध भी पिलाया। सीएम योगी ने मादा शावक का नाम चंडी रखा, जबकि दूसरे शावक का नाम भवानी रखा है। मुख्यमंत्री योगी ने इस दौरान वन्य जीव की वेशभूषा में आए बच्चों का हालचाल पूछा। नाम के साथ जिस वन्य जीव का पोशाक था उसके बारे में जानकारी ली। बच्चों को दुलार भी किया। चिड़ियाघर में पैदल सेकर का जहां इतने बड़े क्षेत्रफल में वेटलैंड फैला हुआ है। गोरखपुर चिड़ियाघर प्रदेश का इकलौता ऐसा चिड़ियाघर है जिसके पास 14 सेकर का प्राकृतिक वेटलैंड है। ठंड की शुरुआत के साथ इस वेटलैंड में प्रवासी पक्षियों का दल उतर आता है, इससे इसका महत्व बढ़ जाता है। पिछली ठंडी में पक्षी लिटिल कॉर्मेंट, जल काग, लेसर एडजुटेंट, विहसिंग डक, नाइट हेरान जैसे दुर्लभ परिंदे वेटलैंड में उतरे थे। ये परिंदे अपनी चहचहाट व अपनी मौजूदगी में चिड़ियाघर की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी वेटलैंड में रहने वाले जलीय जीवों पर स्पेशल कवर जारी किया, इससे चिड़ियाघर का महत्व बढ़ गया है। योगी आदित्यनाथ ने चिड़ियाघर में सफेद बाघिन को बारे में छोड़ा। लगभग डेढ़ माह पहले इन्हें चिड़ियाघर लाया गया था। पहले उन्हें पशु अस्पताल में रखा गया था। इसके बाद बारे के क्रॉल में योगी ने क्रॉल और बारे के बीच की बाउंड्री खोलकर उसे बारे में छोड़ा। इसके अलावा दो तेंदुओं के शावकों का नामकरण भी किया। योगी ने तेंदुओं के मादा शावक का नाम चंडी रखा, जबकि दूसरे शावक का नाम भवानी रखा। इसकी तैयारी 3 दिन पहले से शुरू हो गई थी। दोनों तेंदुओं को रेस्क्यू कर चिड़ियाघर में लाया गया था। यहाँ के परवरिश में उन्हें बेहतर माहौल मिल रहा है, ऐसे में उन्हें अब यही रखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामराज की भावना के अनुरूप मानव कल्याण के साथ प्रत्येक प्राणी की रक्षा व संरक्षण में सभी को अपना योगदान देना चाहिए। इसकी प्रेरणा हमें रामायण से भी मिलती है। रामायण की गाथा में अरण्य कांड जीव जंतुओं के संरक्षण और प्रकृति के प्रति दायित्व जीवों के प्रति व्यवहार की सीख देता है। अरण्य कांड में एक प्रकार से पूरी भारतीय ज्ञान संपदा समाहित है।